गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट योर होम। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो लास्ट पार्ट ऑफ द नंबर एंड यू हैव रीड फाइव पार्ट्स ऑफ द नंबर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नंबर दैट इज इंटीजर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटीजर क्या है ना। इंटीजर के बारे में देखेंगे। इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। अब समझेंगे बच्चे क्या होता है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक जो कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक अंत होता है, इसका तो कोई लिमिट नहीं है ना। आपको बताने थे कि कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में आपने पढ़ा था, काउंटिंग जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ये क्या है, इसका सिलसिला क्या है, कंटिन्यू जारी है ना, कहीं इसका लिमिट नहीं है। तब यही नंबर है और ये प्लस से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव से उसी तरह से माइनस से 1 2 -3 -4 -5, इसी तरह से नंबर क्या हो गया, इसका समाप्त जो है कभी नहीं हुआ। अब देखेंगे क्या है इंटीजर्स किसे कहते हैं, है ना। इंटीजर क्या होता है? तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो बट क्या नॉट फ्रैक्शनल और डेसिमल is called integers, है ना। क्या कहा कि जितने भी नेगेटिव नकारात्मक माइनस का जो सिंबल के साथ होगा नंबर, या फिर पॉजिटिव प्लस के साइन के साथ जो सिंबल होगा नंबर, वह और साथ में क्या होगा, जीरो सिंबल है, ये जीरो साथ में इन दोनों के बीच में होगा, है ना। जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन क्या कहा फ्रैक्शनल और डेसिमल इसको नहीं लेना है इंटीजर में। ये जो फ्रैक्शनल जो आप इसे 3/5 या 19/21 ऐसे नंबर को लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में, या फिर आप डेसिमल के रूप में लिखते हैं 5.7 3.825 ये नंबर लिखते हैं, है ना, ये आपका इंटीजर का रूप नहीं है। आया बात कि नहीं समझ में? तो जैसे अगर काउंटिंग करते हैं, क्या ये काउंटिंग में काउंट करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, डेसिमल को नहीं काउंट किया जाता है। तब देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर एक मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा, देखिएगा नंबर को यहाँ पर लाइन पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को साथ में दिखाया जाएगा। देखेंगे क्या है, एक लाइन शो किया गया एंड जो ये बीच बीच में होगा इसका इक्वल पार्ट में जीरो दिया गया, और जीरो के दाएं साइड में राइट साइड में क्या होगा, ये RHS होता है एंड यू हैव ऑलरेडी नोन इट, है ना, क्या होगा RHS। एंड इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड में होगा LHS, है ना, जो कि LHS में होगा वो माइनस के साथ में होगा, और RHS के साथ में होगा वह क्या चीज में होगा, प्लस के साथ में होगा, है ना, प्लस पॉजिटिव होगा। अब देखना है आपको ये जीरो को जो है उसका RHS की ओर क्या होगा, प्लस में, मतलब आपको यहाँ देना क्या वन, आप नंबर को प्लस के साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दोनों इक्वल है ना, प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है, एक छोटी सी नंबर है इसलिए ये 7 तक ही रहेगा, लेकिन इसका क्या है कंटिन्यू आगे जारी रहेगा, है ना, इसका लिमिट कहीं तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे जीरो के LHS की ओर जब चलेंगे तब क्या होगा, ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गई आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ जीरो के LHS की ओर नेगेटिव एंड जीरो के RHS की ओर पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहता है क्या
जीरो इज वनली सच इंटीजर विच इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। तो क्या कहेंगे, यह जीरो है एकमात्र ऐसा पूर्णांक है, जीरो एकमात्र ऐसा पूर्णांक है जो क्या वह ना तो निगेटिव है, ना तो क्या है निगेटिव और ना ही पॉजिटिव है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए ऐसा कौन ऐसा पूर्णांक है, ऐसा एक पूर्णांक का नाम बताइए, है ना। कौन ऐसे पूर्णांक है जो ना तो निगेटिव होती है ना तो पॉजिटिव होती है, आपको क्या कहना है, जीरो। क्या कहना है आपको, जीरो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जानना याद रखना बहुत ही जरूरी है ना। तो आप इसे एकदम VVI मान लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं तो ये बहुत ही मायने वाली बात है ना। इसे हम हमेशा याद रखना है, भूलना कभी नहीं आपको। तब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आपको पहले ही बताया गया था, है ना। देखिए क्या करना है, अगर वन से अगर लास्ट तक चलते हैं, वन से तब क्या होगा, ये वन से अगर लास्ट को चलते हैं तो ये नेचुरल नंबर कहलाती है ना। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वन, है ना। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तब ये क्या होगा, होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है, जीरो के साथ स्टार्ट किए तो होल नंबर हो गया, यही है नंबर के ऊपर, है ना। तब देखना, लेकिन अब है क्वेश्चन आएगा, क्या माइनस से जहां नंबर स्टार्ट हुई वो सभी के सभी नंबर क्या होल नंबर जाएंगे, या फिर माइनस के साथ जितने नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर में आएंगे, नहीं आएंगे कि नहीं, ये होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये इससे क्या है बाहर है ना। ना तो ये होल नंबर में आएगा ना ही ये नेचुरल नंबर में आएगा, है ना। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन कहा जाए कि क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10 एंड लास्ट क्या ये सभी नेचुरल नंबर है, तो यस ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है ना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर इंटीजर्स, है ना, ये सब क्या है इंटीजर्स है। लेकिन अगर यहां से भी किया जाए तो भी इंटीजर, यहां से किया जाए तो भी इंटीजर, इस इंटीजर को कहीं से भी अगर पूछा जाए तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, है ना। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है, नेचुरल एंड होल नंबर को। आई बात समझ में, आपको यहां से समझ में आ रही होगी, जो इंटीजर होती है दो प्रकार की हो रही है ना, आपको दिख भी रहा होगा कितना, एक माइनस की ओर है और एक प्लस की ओर है, मतलब एक निगेटिव इंटीजर होते हैं एंड एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर प्लस के साथ सिंबल होगा एंड निगेटिव इंटीजर माइनस के साथ सिंबल होगा, है ना। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बात को समझिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी नंबर है, ऐसा इंटीजर है जो क्या ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है ना। अगली टर्म जो मैं बोल रहा हूँ समझिएगा क्या है, आपको LHS एंड RHS की ओर तो बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना। अब देखेंगे ये जीरो का ही यहां पर मामला होगा, है ना। क्या करना है, जीरो यहां पे है और इसके इधर जो LHS है, क्या है ये LHS, और जीरो के इधर क्या है राइट साइड में RHS, है ना। सब समझिएगा क्या, जीरो का जो यहां पर वैल्यू है इसके LHS की ओर नंबर जा रही है ना। जीरो की ओर LHS की ओर जो नंबर जा रही है, नंबर दिख रहा है आपको बढ़ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर बढ़ रही है। लेकिन क्या ये नंबर बढ़ रही है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू हो रहा है जो डिक्रीज हो रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जीरो से LHS की ओर जो नंबर जाते हैं वो क्या होगा, नंबर इंक्रीज बट क्या होगा, वैल्यू
डिक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा, नंबर संख्या जो इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है क्या है, वह घट रही है ना। मैं आपको सारी एग्जांपल के साथ बताऊंगा, देखिएगा कैसे नंबर ये बढ़ रहा है लेकिन इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जीरो को जो आर एच एस की ओर जो नंबर है, इसका दोनों काम क्या हो रहा है, इंक्रीज की ओर हो रहा है। नंबर इंक्रीज एंड वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज, वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज ऑल्सो। देखिए क्या कहता है, नंबर संख्या वृद्धि हो रही है लेकिन इसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। लेकिन इधर नंबर तो बढ़ रही है लेकिन वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। देखिए एग्जांपल के साथ कैसे शो करेंगे, समझिएगा क्या कहता है। ए प्लस बी है ना, एग्जाम्पल में समझना है, ए प्लस बी यहाँ पर कोई नंबर है, ए का वैल्यू आपको दिया जाएगा, बी का वैल्यू दिया जाएगा आपको। ए का वैल्यू आपको पास है 5, बी का वैल्यू आपके पास 3 है ना, क्या है 3। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू जो 5 था क्या किस सिंबल में है, पॉजिटिव में है, क्या चीज में है, पॉजिटिव। कैसे, यदि कोई भी नंबर उसके पीछे कोई भी सिंबल नहीं है, है ना, उसके पीछे कोई भी सिंबल नहीं है, ना तो प्लस है ना ही माइनस। लेकिन अगर कुछ ना रहा है तब यहाँ पर क्या होता है, प्लस छुपा हुआ होता है, तब यहाँ क्या करेंगे, प्लस 5 है, ए का वैल्यू प्लस 5 है, और आगे क्या करें, यहाँ पर करने आपको प्लस दिया है, आपको यहाँ क्या करना है, प्लस यहाँ पर 3 का वैल्यू क्या है, प्लस 3 है ना, बी का वैल्यू 3 है जो कि वो पॉजिटिव है, आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस 3। मतलब यहाँ अगर प्लस रहेगा भी तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों क्या होगा, सेम कैटेगरी का है, दोनों एक ही काम करेगा, मतलब प्लस होगा। 5 + 3 इक्वल टू क्या होगा, 8। देखिए नंबर दोनों क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ, वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। लेकिन आगे इसी एग्जांपल को a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3 दिया जाए तब क्या करेंगे, देखिए एक a का वैल्यू जो 5 है, अब क्या करेंगे 5 और प्लस है, अगला b का जो वैल्यू क्या है, यहाँ प्लस यहाँ क्यों दिए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ प्लस, अब प्लस ही देंगे। लेकिन आगे b का जो वैल्यू है -3, तब इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ प्रयोग करेंगे -3। अब आपको पता है एक प्लस और एक माइनस है, दोनों आप अलग अलग कैटेगरी का है, तब क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 क्या होगा, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में, प्लस माइनस, अभी क्या बोले, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी करना है, 5 - 3 होगा, क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए आप यहाँ 5 जो इंक्रीज हुआ वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट यहाँ नंबर जो हुआ क्या, ये नंबर तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, 5 - 3 = 2। नंबर तो इंक्रीज हुआ लेकिन क्या हो गया, ये वैल्यू घट गया, है ना, डिक्रीज हो गया। एंड मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई, ये जब कोई नंबर 0 से LHS की ओर जाएगी तब उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, भले ही नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही हो। तब यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो नंबर निगेटिव में जितना बड़ा दिखे वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, है ना, जो नंबर जितना दिखने में बड़ा लगे निगेटिव में वो उतना ही छोटा होगा। जैसे कि एग्जांपल में 135 एंड 3 दिया जाए, -3, आपको बताइए ये नंबर जो दिया गया कौन सी नंबर क्या है, बड़ा है, और कौन सी नंबर छोटा है, तो 135 है, वाह इतना बड़ा बड़ा है ये, नहीं नंबर बड़ा है, वैल्यू वो बड़ा नहीं है, क्या है ये, वैल्यू डिक्रीज है, मतलब छोटा है, तो बड़ा कौन है, ये छोटा वाला है ना, क्या है, छोटा वाला ये बड़ा होगा। जैसा कि और एग्जांपल में आपको दिया जाए -7 और 0, तब आप किसे बड़ा मानेंगे, माइनस का मतलब क्या हो गया, आपका पैसा जो है माइनस में जा रहा है, और जिसके पास 0 है वो तो पहले से 0 है ही है, उसके पास ना तो वृद्धि हो रही है ना ही घट रही है, और ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है,
अगर नहीं भी है तो वो माइनस में जा रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे कि चलो ये नहीं है तो कम से कम स्थिर तो है ना, ये कांस्टेंट है ना, अपना ना वैल्यू चेंज कर रहा, ना ही ऊपर जा रहा, ना ही नीचे आ रहा है ना, तब आप क्या कहेंगे जीरो क्या है बड़ा। और आपको पता है कि जीरो एकमात्र ऐसी इंटीजर है जो ना तो निगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है ना। चलिए आज हम अगले टर्म की ओर चलते हैं। अगला जो काइंड है जो नंबर का है ना, वो है परफेक्ट नंबर। आपको इंटीजर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई, और आपने ये भी जाना कि इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, समझ में आ गई। अब हम चलते हैं परफेक्ट नंबर की ओर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर यह भी एक संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है ना। कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या, लेकिन वह संख्या काउंटिंग शो नहीं करेगी। देखिए क्या है, पहले इसके हम डिफाइन की ओर चलते हैं। देखिए देखना है परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तब परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है, ए परफेक्ट नंबर सॉरी ए पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर इज दैट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। समझिएगा परफेक्ट नंबर क्या कहा, कहता है यह जो संख्या है ना, इसको देखना है कि किस किस संख्या से ये डिवाइड हो रही है ना, उसको आपको देखना है, और उस संख्या को टोटल जिस संख्या से वो डिवाइड हो रही है टोटल को उसको काउंट करके और उसका सम निकाल देना है। क्या करना है, सम मतलब योग कर देना है, जोड़ देना है, और उस नंबर के यदि वो इक्वल होगा तो वो संख्या क्या होगी, परफेक्ट नंबर। कहता है ए पॉजिटिव नंबर, इस नंबर जो परफेक्ट नंबर है इसमें वनली जो है केवल परफेक्ट पॉजिटिव नंबर का ही प्रयोग करना है, नेगेटिव नंबर का यहाँ पर यूज नहीं होगा है ना। अब कहता है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर इज दैट इक्वल, वह क्या होगा, बराबर होगा किसके, टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स, माने उसके जो प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, उसके क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम उसका क्या होना चाहिए, सम का इक्वल बराबर। देखिए अब क्या है एग्जांपल में, आपका 6 होगा, क्या होगा आगे एग्जांपल 28 होगा, 128 होगा, 496, इसी तरह से आपका आगे और भी सारी संख्या होगी है ना। तब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट है, क्या कहेगा, एग्जाम में आ सकता है आपके लिए, याद रखना आपको, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, एक अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या बताइए, एक अंकों की, एक अंकों कहां से स्टार्ट हुई है, 6 है, आपका आंसर क्या होगा, 6, क्या होगा वह संख्या जो है 6 है, जो आपका क्या होगा सबसे छोटी है, और वह एक अंकों की है जो क्या है परफेक्ट नंबर है। आइए चेक करके देखते हैं क्या ये 6 जो 6 है सही में परफेक्ट है या नहीं, तब देखना है आपको ये 6 जो है किस किस नंबर से डिवाइड होती है, तो डिवाइड 1 से होती है ना, और किससे होती है, आपको क्या करना है, सम, सम का मतलब प्लस, प्लस देखना है, और ये 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, और किसी से डिवाइड, खुद से एक 6 से डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पर आपको वो 6 का प्रयोग नहीं करना है ना, 6 का प्रयोग खुद की नंबर को नहीं करना है, उसके जस्ट बिफोर तक ही रहना है, और इसका आपको क्या करना है, इक्वल करना, क्या इस नंबर के इक्वल आ रहा है, तो 1 + 2 = 3 एंड 3 = 3, 3 + 3 क्या हुआ, 6 होगा, मतलब ये क्या है इसके इक्वल हो गया है ना। आइए 28 का शो करते हैं, देखिए किस किस से नंबर डिवाइड होता है, 1 से प्लस 2
प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 14, और किसी नंबर से एक खुद की संख्या 28 से, लेकिन उसका तो प्रयोग करना नहीं है, है ना। सेम नंबर को प्रयोग नहीं करना आपको, है ना। तो यहां पर कितना होगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, एंड 14 प्लस 14 क्या होगा, 28। इसी तरह से आप 128 का भी चेक कर सकते हैं, है ना, ताकि ये भी एक क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। और ये इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको भी चेक करना है और इस नंबर को भी चेक करना है, 496 को, ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, ये परफेक्ट नंबर है, आपको सही तरीका से प्रॉपर डिवीजन निकालना है, किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रही है ना। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, और इन सारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा, है ना, और कॉपी में नोट करके आप इसे रिविजन कीजिए और अच्छी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, है ना। आज इस वीडियो में नंबर का यहीं तक लास्ट हुआ, और मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट टॉपिक को आगे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा, घर में बने रहना है ना, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।